तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये चार को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसका की प्रयोग हम डिटरमिनर की तरह करते हैं, और ये सब के बाद सिंगुलर, काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद हम पेन ही लिख सकते हैं, पेंस नहीं लिख सकते हैं, मिल्क नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल ही होता है, प्लूरल नाउन नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है। अब देखेंगे इसका यूज। ईच, एवरी दोनों का मीनिंग सेम होता है, प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक, हरेक। अंतर क्या है कि दो या दो से अधिक संख्या है, नाउन की संख्या दो या दो से अधिक है तो हम ईच लिखेंगे। ईच दो के लिए भी आता है और दो से अधिक के लिए भी आता है। दो रहेगा फिर भी ईच लिखेंगे, दो से अधिक रहेगा फिर भी ईच लिखेंगे, लेकिन एवरी है ये हमेशा दो से अधिक के लिए आता है, दो से अधिक के लिए। अब इसको हम सेंटेंस में लिख दें कि ईच बॉय वॉच प्रेजेंट, या लिखें एवरी बॉय वॉच प्रेजेंट, तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है, दोनों में कहीं से कोई गलती नहीं है। गलती कब है जब इसकी संख्या को हम निर्धारित कर देंगे कि दो है या दो से अधिक है। I have two books, book is new। अब यहां पर ऑप्शन आता है each और every। अब देखिए कि यहां किताब की संख्या कितना है, दो, तो दो के लिए क्या आता है, each आता है, every का प्रयोग नहीं होता है। अब लिख दें सी एच थ्री सिस्टर, सिस्टर इच ब्यूटीफुल। अब यहां पर यदि इच आए और एवरी आए तो इनमें दो में से हम किसी को भी भर सकते हैं, इसलिए कि यहां पर संख्या तीन है, तो दो से अधिक के लिए हम इच भी लिख सकते हैं और एवरी भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि दो से अधिक के लिए जब हम इच और एवरी का प्रयोग करते हैं तो माइकल स्वान के अनुसार थोड़ा सा इसको में डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है कि जब इच लिखते हैं तो ये इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एक्शन को बतलाता है, और यदि हम एवरी लिखते हैं
तो ये कॉलेट टीवी बात करता है, समूह के रूप में बात करता है, ऑल का अर्थ देता है, और ये वन बाई वन का अर्थ देता है, एक एक कर। अब देखिए मेंबर साइंड दी रिजोल्यूशन, ईच मेंबर साइंड दी रिजोल्यूशन, यहां आ जाए कि ईच लिखे या एवरी लिखे, तो इंडियन इंग्लिश में ईच और एवरी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है, लेकिन यहां पर होना चाहिए ईच, इसलिए कि मेंबर जो है वो कॉलेक्टिवली साइन नहीं किया होगा, एक बार में एक एक कर ही साइन किया होगा। ईच अ स्टूडेंट वाज गिवन अ प्राइज बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को इनाम दिया गया, तो इनाम कॉलेक्टिवली नहीं दिया गया होगा प्राइज, बल्कि वो इंडिविजुअली दिया गया होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नेक्स्ट ईच और एवरी में क्या डिफरेंस आता है, के ऑलमोस्ट नियरली और प्रैक्टिकली, इसके बाद केवल एवरी का प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि ही हैज लॉस्ट nearly friend he had। अब यहां पर हमको ऑप्शन आता है each और every का, तो देखिए यहां nearly है, तो nearly के बाद each नहीं आता है, यहां पर every होगा। I have read almost बुक आई हैड, यहां पर यदि आता है ईच और एवरी, तो फिर देखिए यहां पर एलमोस्ट है, तो यहां पर ईच नहीं आएगा, एवरी आएगा। एलमोस्ट नियरली प्रैक्टिकली के बाद खाली है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके बाद हमेशा एवरी का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा है कि एवरी प्लस न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन, यदि प्लूरल नाउन के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है और उसके पहले ईच या एवरी भरना है, तो है एवरी का प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अब लिखेंगे कि ही हैज टू टेक मेडिसिन एवरी 4 आवर्स। अब देखिए यहां 4 क्या है, न्यूमरल है, यहां जो आपका न्यूमरल है क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कि यहां 4 क्या आ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, तो इसलिए यहां पर एवरी होगा, यहां पर ईच का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं
कि मिस्टर मोदी वाज स्टॉप्ड 5 miles by his pants. और यहाँ आपका ऑप्शन में ईच भी आता है और एवरी भी आता है, तो देखिए फिर यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 आ गया तो ईच का प्रयोग नहीं होगा, एवरी का प्रयोग होगा. नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ईच और एवरी ये शुद्ध रूप से डिटरमिनर है, जबकि ये डिटरमिनर के अलावा प्रोनाउन भी है. इसको हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ाए होंगे. अब हम लिखते हैं ईच ऑफ अस, तो ये ठीक है, लेकिन एवरी ऑफ अस लिखेंगे तो ये गलत है. क्यों गलत है? कि एवरी तो डिटरमिनर है, हर हालत में इसे यहां पर एक नाउन चाहिए, लेकिन ईच हमारा प्रोनाउन है, इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा सही हो जाता है. हम इसी को लिख सकते हैं कि ईच ऑफ अस वाज प्रेजेंट देयर. यदि यहां ईच के जगह पर एवरी लिख देंगे तो यह हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. उम्मीद करते हैं कि ईच और एवरी में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा. नेक्स्ट दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और बच रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. आगे हमारा है आइदर और एक है नाइदर. यह होता है दो में से एक और यह होता है दो में से कोई नहीं. ये नेगेटिव वर्ड है और ये अफर्मेटिव वर्ड है, पॉजिटिव है ये. इसके साथ अलग से नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके साथ कभी भी नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे. अब लिखेंगे आई हैव टू पेंस एंड आइदर पेन इज गुड. अब देखिए आइदर के बाद क्या लिखे, पेन. तो क्लियर हो रहा है कि दोनों आ रहा है, दोनों का प्रयोग केवल दो के लिए होता है. आई हैव टू पेन्स एंड नाइदर पेन इज गुड. यहां भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन यदि हम लिख दें आई हैव 3 pens एंड यू कैन टेक पेन यू लाइक, टेक यू लाइक. अब देखिए यहां तो आइदर हमारा सही है, एहन आइदर हमारा सही है, लेकिन यदि यहां आई हैव 3 pens एंड यू कैन टेक पेन यू लाइक, आई हैव 3 pens एंड आई कैनॉट स्पेयर पेंस. अब देखिए यहां पर कर्मों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 में से यदि हमको 1, 2 या किसी को चुनना है, सिंगुलर या प्लुरल को चुनना है, तो ना तो यहां पर आइदर होगा, ना यहां पर नाइदर होगा,
हर हालत में यहाँ पर ए नहीं होगा, दोनों में ए नहीं होगा। क्लियर हो गया? आइदर का एक और अपना अर्थ होता है, आइदर का एक और अपना अर्थ होता है, आइदर का एक अपना अर्थ होता है बोथ। ये भी हो गया दोनों और ये भी हो गया दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और बोथ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। आइदर का प्रयोग कहां करते हैं? जब एक भाग दूसरे भाग का पूरक हो, जैसे हम कह सकते हैं आइदर के बाद एंड लिख सकते हैं, साइड लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, हैंड लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। मतलब स्वतः उसका दो भाग होना चाहिए, एक भाग दूसरे का पूरक होना चाहिए। बोथ का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं आइदर सम, इसके जगह पर हमको लिखना पड़ेगा बोथ सम्स। नहीं लिख सकते हैं आइदर रिवर, हमको लिखना पड़ेगा बोथ रिवर। तो ये छोटा छोटा सा अंतर है दोनों में, इसको हम देखेंगे एक एक एग्जांपल से। देयर आर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। ऑप्शन आपका है आइदर और बोथ, दूसरा है देयर आर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रूट, और इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है आइदर और बोथ, यहां साइड्स है। अब देखिए कि सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, तो सड़क का दो पार्ट होता है, एक सड़क में तो दो पार्ट होता है, एक पार्ट दूसरे का क्या क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए यहां पर कि यहां पर क्या है साइट, तो साइट है तो बोथ होगा, तब तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसलिए कभी यहां पर बोथ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आइदर, और यहां पर क्या लिखा गया साइट्स, तो साइट्स लिखा गया तो ये प्लूरल है और आइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए यहां पर आइदर नहीं होगा, यहां पर हमारा आ जाएगा बोथ। तीसरा में लिखे हिज आइदर सन हैज कम। अब देखिए कि आइदर सन कभी हो सकता है, ये तो पूरक एक दूसरे का है नहीं, तो ऐसा सेंटेंस कभी नहीं लिखाएगा, हम लिखेंगे बोथ हिज सन्स हैव कम। उम्मीद करते हैं कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी आइदर नाइदर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।